Hey class 10th, welcome to your biology classes. And I know it's a different feeling to be in class 10th now. तो class 9th में हमने बहुत सारी important topics पढ़ी हैं, जैसे कि diversity, cell से फिर tissues, tissues से organ and organ systems and so on, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें. Humans में diseases कैसे होती हैं and why do we fall ill etc. कुछ important crucial cycles जो कि environment में होती हैं, कुछ natural resources के बारे में and so on. So when you'll relate the content of class 9th with the content of class 10th, you'll realize कि जो भी चीज़ें हमने 9th में पढ़ी हैं वो basic concepts बनाती हैं उन चीज़ों के लिए जो हमें class 10th में पढ़ना है. Especially इस chapter का जब आप पढ़ेंगे तो you'll realize कि आपका cells और tissues को अच्छे से पढ़ना कितना important था. So let's begin with the chapter and let's see what new we have got to learn. तो आपके हिसाब से life processes क्या हैं? Life as clear from the name, living beings जो basic criteria follow करते हैं that is life. और हर एक वो process जो हमें living बनाती है that terms to be the life process. तो ऐसे क्या क्या हम कौन सी criteria, एक basic criteria है जैसे हम choose करेंगे ये बताने के लिए कि कोई चीज़ living है या कोई चीज़ non-living, सिर्फ physical features को देखते हुए. अभी हम internal चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, we are talking only about the physical features. I think movement, किसी का चलना. For example, we human beings move from one place to another place for our needs. Animals अपने food के search में कहाँ से कहाँ जाते हैं just because to meet the basic survival needs, that is again food. Plants भी movements show करते हैं, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा है पहले कि the different type of trophic movements that the plants show, वो भी एक तरीके का movement ही है. बहुत सारे ऐसे organisms हैं, microscopic organisms, जिसके movement हमें नहीं दिखते हैं normally, but they actually move. Like obviously the amoeba, the paramecium and all these microscopic organisms that we have been studying, ये move करते हैं. बहुत ही obviously इनकी जो movement है वो microscopic है and we cannot see them with the naked eye. लेकिन ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर कोई चीज़ self mobile होने की tendency रखता है that means वो living है. और भी ऐसे movement की तरह और भी ऐसे बहुत सारे criterias हैं जो एक इंसान को living बनाते हैं, जैसे need of food, पानी और water की ज़रूरत, oxygen की ज़रूरत, ग्रोथ करना, रेस्पायर करना, एक्सक्रीट करना, न्यूट्रिशन लेना एंड सो ऑन. सो यही सारी कुछ चीज़ें हैं जो मिलके लाइफ प्रोसेसेस को कंडक्ट करती हैं. सो व्हाट, हाउ कैन यू डिफाइन अ लाइफ प्रोसेस? ऑल द एक्टिविटीज़ बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड, डिराइव एनर्जी. जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या थी? वी टेक इन फूड, वी डिराइव एनर्जी, रिमूव द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम आर बॉडी and respond to the change that are occurring inside, around our environment. ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं? Life processes को. यानी कि हर एक वो process जो हम करते हैं food acquire करने के लिए, अपने body में energy create करने के लिए, waste के removal के लिए, environment में जो चीज़ें हो रही हैं उनका एक response देने के लिए, they all together form the life processes. So you must have heard about the term metabolism. कई बार हमने इस term के बारे में बात भी की है पहले. तो व्हाट डू यू थिंक मेटाबॉलिज्म मींस? क्या मतलब होता है मेटाबॉलिज्म का? हर एक वो बायोकेमिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है हमें लिविंग रखने के लिए, वो प्रोसेस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस बनाती है. मेटाबॉलिक प्रोसेस एज इन एवरी बायोकेमिकल प्रोसेस दैट मेक्स आर लाइफ ईजी एंड गोज ऑन विदाउट बींग एक्चुअली एक्नॉलेज्ड मेक्स अ मेटाबॉलिक प्रोसेस. अब ये जो प्रोसेस होते हैं अपने प्रोसेस के बेसिस पे दो टाइप्स के होते हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक. ये पहले पढ़ा है आपने. कैटाबॉलिक क्या प्रोसेसेस थी? जब हमारे बॉडी के कुछ मॉलिक्यूल्स अपने आप को ब्रेक करके यानी कि कट करके नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस. याद कैसे रखेंगे? सी फॉर कैटाबॉलिक, सी फॉर कट. व्हेन द पार्टिकल्स और द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन, जब वो टूटते हैं और नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी ऑन करने के लिए, उन प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस. व्हाट अबाउट द एनाबॉलिक रिएक्शंस? ऐसे ही रिएक्शंस जब हमारे बॉडी में इस तरीके से होते हैं कि वो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करें यानी कि अटैच हो एक दूसरे से
और अटैच होकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाए हमारे बॉडी में हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कैरी ऑन करने के लिए, तो वही मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एनाबॉलिक कहलाते हैं। सो कैटाबॉलिक वो जब हमारे बायोमोलिक्यूल्स अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कट होकर न्यू प्रोडक्ट्स बनाएं, यानी कि ब्रेक डाउन होकर न्यू प्रोडक्ट्स बनाएं, कैटाबॉलिक। जब हमारे बॉडी के कुछ मॉलिक्यूल्स जो स्कैटर्ड हैं वो सारे मिलकर अटैच होकर एक दूसरे में कोई न्यू प्रोडक्ट बनाएं, तो वो होता है एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म। सो बाय नाउ वी नो कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेसेस क्या है और कैटाबॉलिक। इस चैप्टर में हमें चार इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने हैं जो कि उन फूड एनर्जी रिमूवल ऑफ वेस्ट और रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। तो फूड से रिलेटेड लाइफ प्रोसेसेस कौन सी होती है? न्यूट्रिशन। एनर्जी रिलीज करने से रिलेटेड कौन सी लाइफ प्रोसेस होती है? रेस्पायरेशन। अब एनर्जी अगर रिलीज हुई है तो ऑब्वियसली खाने से मिली होगी, हमारा खाना एसिमिलेशन के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंच कैसे रहा है? ब्लड फ्लूइड्स के थ्रू, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा एक्सेट्रा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। और अगर हम फूड इनटेक कर रहे हैं, फूड से एनर्जी रिलीज कर ले रहे हैं, पूरे बॉडी में ट्रांसफर भी कर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेस्ट भी क्रिएट होगा। सो उस वेस्ट का रिमूवल, दैट मीन्स एक्सक्रीशन। So these are the four basic life processes that we will be studying under this chapter. Nutrition, process of taking in food, वो process जिससे हम food intake करके अपने body को nutrients provide करें। Respiration क्या है? वो process जिससे जो food हमने लिया उस food का breakdown करें और उस ब्रेकडाउन फूड से एनर्जी रिलीज करवाएं, यानी कि ओवरऑल इस प्रोसेस का कंडक्शन का पर्पस हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करना किसी भी एक्शन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी फ्लूइड्स अगर नहीं होती जैसे कि ब्लड और प्लाज्मा, तो क्या ये जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में बन रही है ये हमारी बॉडी तक पहुंचती? तो ऑब्वियसली इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होना है ओवरऑल, वो बॉडी पार्ट्स तक पहुंचना, हर एक प्रोडक्ट बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचना, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन। और ऑब्वियसली जब ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं तो एवरी प्रोसेस हैव अ बाय प्रोडक्ट एट द एंड। सो ये जो बाय प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स जिन्हें हम कहते हैं वो बन रहे हैं, उनका बॉडी से रिमूव होना, दैट विल लीड टू एक्सक्रीशन। सो ऑन द फर्स्ट हैंड वी विल बी बिगनिंग विद न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? अभी रिसेंटली आई टोल्ड यू कि वो प्रोसेस जिससे हम फूड का इनटेक करें, दैट सिंपली मीन्स न्यूट्रिशन। सो फूड क्यों, व्हाई डू वी नीड फूड? कुछ तो देता होगा। सो व्हाट डज इट गिव अस? इट गिव्स अस न्यूट्रिएंट्स। और क्या है न्यूट्रिएंट्स? बहुत सारे होते हैं बट एसेंशियल फाइव हैं। वी हैव फाइव एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिसके लिए हम फूड खाते हैं, और हर एक न्यूट्रिएंट की हमारे न्यूट्रिशन साइकिल में होने की एक अपनी रीज़न है। बिफोर दैट, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? वो प्रोसेस जिससे हम फूड का इनटेक करते हैं, उसका डाइजेस्ट होना, हमारे बॉडी में उसका एब्जॉर्ब होना, डिस्ट्रीब्यूट होना और यूटिलाइज होना, ये सब कुछ मिलकर क्या बनाता है? न्यूट्रिशन। क्या क्या आया इसमें? फूड का इनटेक, इनटेक के बाद उसका डाइजेशन, डाइजेशन के बाद डाइजेस्ट हुआ तो बॉडी एब्जॉर्ब भी तो करेगी, उसका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी में, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका यूटिलाइजेशन। आखिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो कोई ना कोई पर्पज़ होगा, उसको यूटिलाइज करेंगे हम अपने बॉडी में। सो बेसिकली दिस ऑल कंटेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता कैसे है? जब हम फूड का इनटेक करते हैं, इनटेक के थ्रू हमें क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? वो एसेंशियल कंपोनेंट्स फूड के जिसके लिए हम बेसिकली न्यूट्रिशन करते हैं। तो क्या है वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिंस एंड मिनरल्स। इसके अलावा वाटर और रफेज भी है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, लेकिन वो रफेज के सेक्शन में काउंट होता है। सो दीज आर द बेसिक फाइव न्यूट्रिएंट्स। क्या पर्पस होता है इन न्यूट्रिएंट्स का?
अगर हम एसेंशियल कह रहे हैं तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इस साइकिल में आने वाला हर एक जो न्यूट्रिएंट हमें मिल रहा है उसकी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए. लेट्स सी कि है या नहीं है. यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं ये दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड में कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि ये उस तरीके का फूड है जो हमारे बॉडी में एनर्जी देने का काम करते हैं. प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, यानी कि बॉडी की बेसिक ग्रोथ में हेल्प करने वाला जो न्यूट्रिएंट है दैट आर द प्रोटीन्स. वेयर इज विटामिन और मिनरल्स जो हैं ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि बॉडी प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स. सो नाउ टेल मी वन थिंग, मैंने अभी आपसे बोला कि ये एसेंशियल है. अगर एसेंशियल है तो हमारा काम तो एक ही एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट से चल सकता था और एक ही प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिएंट से चल सकता था. फिर भी इतने सारे होशियार लोगों ने यही बोला कि ये पांचों हमारे पांच मेन न्यूट्रिएंट्स में आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी फैट्स भी. दैट मीन्स डेफिनेटली कि ठीक है, माना कि दोनों एनर्जी गिविंग हैं, बट कुछ तो डिफरेंस होता होगा इनके फंक्शनिंग में. तो क्या फंक्शनिंग है, सॉरी क्या डिफरेंस है, लेट्स सी. आपने कभी ग्लूकोज पाउडर खाया है? खाया ही होगा ऑब्वियसली, हम सब ने खाया अपने बचपन में. सो क्या होता है, एज सुन एज वी प्लेस द ग्लूकोज पाउडर ओवर आर टंग, एक अकेली सी चीज़ है जो इमीडिएटली डिजोल्व हो जाती है. इट डज नॉट स्टे इन आर माउथ. व्हाट हैपेंस देयर, कुछ होता होगा, पर उसी के साथ अब क्या आप फैट कंटेनिंग चीज़ें जैसे कि सपोज आप पराठे या पकौड़े या एनी थिंग फॉर दैट मैटर आप खा रहे हैं, तो उनके साथ कभी ऐसा हुआ क्या कि आपने उसको मुँह में रखा और वो खाते ही गायब हो गया? ऑब्वियसली नॉट. तो यही डिफरेंस है जहाँ से हमें पता चलेगा कि क्यों इन दोनों एसेंशियल कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स बनाया गया. कार्बोहाइड्रेट्स एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी तो देते हैं लेकिन इंस्टेंट यूज़ के लिए. जैसे हम बाहर से कई बार गेम्स वगैरह खेल के आते हैं, बहुत टायर्ड होते हैं, तो मामा हमें ग्लूकॉन डी बना कर देती है. सो दैट इज़ वाई द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम फैट्स. अच्छा ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं तो वाई फैट्स? फैट्स क्या हैं? फैट्स भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं लेकिन वो हमारे बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में रखे जा सकते हैं एंड फर्दर यूज़ के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई वी नीड फैट्स एज वेल. तो अब समझ में आया कि ये दोनों ही एसेंशियल क्यों हैं. एसेंशियल यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट सोर्स हैं, इमीडिएटली एनर्जी देंगे, फैट्स एनर्जी देंगे बट दे कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी. प्रोसेसिंग टू प्रोटीन्स. प्रोटीन्स क्या हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब वो फूड जो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करे, ग्रोथ में हेल्प करे. एनी काइंड ऑफ फूड दैट गिव्स अस सच न्यूट्रिएंट्स व्हिच हेल्प अस टू ग्रो और डेवलप आवर बॉडी हैज़ प्रोटीन. सो ये सिंगल है, दैट इज़ नॉट कॉजिंग एनी डिफरेंस. ये एसेंशियल होगा. कमिंग टू विटामिन एंड मिनरल्स, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन दैट वी गेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड, ए बी सी डी ई के एंड सो ऑन. सिमिलरली आपने मिनरल्स भी सुना होगा, कई बार यू मस्ट हैव हर्ड दैट आयरन हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है. देन यू मस्ट हैव हर्ड कि दूध से कैल्शियम मिलता है. यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड कि नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के बेसिक फंक्शनिंग के लिए. तो क्या मतलब है, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आएगा कि ये दोनों ही अपने आप में एसेंशियल क्यों हैं. जो मिनरल्स हैं वो हमारे बॉडी में डिफरेंट एलिमेंट्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं और हर एक एलिमेंट के प्रेजेंट होने का अपना एक पर्पस होता है. कैल्शियम के लिए आपने सुना होगा, इट मेक्स अ बोन स्ट्रांग. आयरन, ब्लड में क्या होता है आयरन, इट इज़ द फ्लूइड विच इज़ बेसिकली फंक्शनल बिकॉज ऑफ द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन. सिमिलरली विटामिन, बहुत ही छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि विटामिन ए बी सी, हर एक स्पेसिफिक टाइप के विटामिन के डेफिशिएंसी से कुछ स्पेसिफिक डिजीजेज होती हैं. ए की डेफिशिएंसी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, बी की डेफिशिएंसी हो गई सो यू माइट लीड इट माइट लीड टू डिफरेंट डिजीज, सी की हो गई स्कर्वी एंड डी से रिकेट्स एंड सो ऑन. बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो विटामिन के डेफिशिएंसी से होती हैं. व्हाट अबाउट डेफिशिएंसी डिजीजेज कॉज्ड बाय मिनरल्स? आयरन की कमी से गोइटर, आयरन की कमी से अनीमिया, कैल्शियम की कमी से वीक बोन्स एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हमें डिफरेंस पता चला कि विटामिन और मिनरल्स अपने आप में ही दोनों एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्यों हैं. सो डन विद दिस. अब हमें आगे पढ़ना है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस के थ्रू, इनका मोड क्या क्या हो सकता है. व्हाट कैन बी द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं. इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, बहुत ही बेसिक सी बात है. दो मोड्स होते हैं जिससे हम किसी भी तरीके के फूड को ले सकते हैं. एक ऐसा मोड जिससे हम कुछ ऐसा करें कि खाना अपने आप ही बन जाए,
और एक ऐसा जिसमें हम डिपेंडेंट रहें किसी ऐसे फूड सोर्स पे जिसके पास एबिलिटी हो अपना खाना बना पाने की। तो यही दो फूड सोर्सेज होते हैं। ऑटोट्रॉफिक वो फूड रिसोर्सेज होते हैं, ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास अपना खाना सिंथेसाइज करने की टेंडेंसी हो उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, या उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये करता कौन है? ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट्स, वी हैव ऑलवेज स्टडीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। लेकिन क्या सिर्फ ग्रीन प्लांट्स कहना सही है? अगर कोई प्लांट है जिसकी लीफ रेड, पर्पल एंड येलो एंड सो ऑन अलग अलग कलर्स की है, तो क्या उस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। इट्स जस्ट दैट कि इनके अंदर क्लोरोफिल की बजाय क्रोमोफिल ज़्यादा होगा, जिसके वजह से क्लोरोफिल का कलर इतना प्रोमिनेंट होकर नहीं आ रहा होगा और वो ग्रीन नहीं दिख रहे होंगे। दिस मस्ट बी कवर्ड बाई दी क्रोमोफिल्स। तो वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स के अलावा कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज भी होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये वो कैटेगरी हो गई, दोज हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ग्रीन प्लांट्स एंड द ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस के अलावा एक और प्रोसेस होता है ऑटोट्रॉफिज्म में, दैट इज कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस क्या है? जैसे फोटोसिंथेसिस लाइट से फूड का प्रिपरेशन है, वैसे ही कीमोसिंथेसिस केमिकल्स को यूज करके किए गए फूड सिंथेसिस को कीमोसिंथेसिस कहते हैं। मूविंग ऑन टू हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब भी हम अपना फूड किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर बनाएं, किसी दूसरे फूड रिसोर्स के ऊपर या फिर डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट होकर फूड लें, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। नाउ ये जो हेटरोट्रॉफिक मोड वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तीन तरीके के हो सकते हैं। ये सब आपने पढ़ा है पहले, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोट्रॉफिक क्या होता है? जब कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करे, डीकम्पोजर्स के फॉर्म में, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा, उन्हें हम सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हुए कहते हैं। मतलब उनका फूड सोर्स क्या है? डेड एंड डिकेइंग मैटर। पैरासिटिक मोड क्या है? पैरासिटिक इज द मोड जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग होस्ट पर सर्वाइव करके अपना फूड डिराइव करे, उस केस में आने वाले ऑर्गेनिज्म्स को पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हेड लाउस, डॉग्स को टिक्स हो जाते हैं, टिक्स, मॉस्किटोज एंड सो ऑन एटसेट्रा। इस केस में जो लिविंग होस्ट है उसको लॉस सफ़र करना होता है, वेयर एज जो पैरासाइट है उसका बेनिफिट होता है। इस केस में जो डेड एंड डिकेइंग था उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, वेयर एज सैप्रोट्रॉफ का बेनिफिट होता है। व्हाट इज दिस होलोजोइक? ये डेफिनेटली आपके लिए एक न्यू कैटेगरी होगी। वो ऑर्गेनिजम्स जो यूजुअली एज अ होल फूड का इनटेक करते हैं, उन्हें हम होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि मेजर एनिमल्स, हम ह्यूमंस, अमीबा, पैरामीशियम जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स, ये सारे के सारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। क्या होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? व्हेन द ऑर्गेनिजम्स यूजुअली इनटेक द होल फॉर्म ऑफ फूड, यानी कि द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, दे टेंड टू परफॉर्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी जो होलोजोइक मोड है, ये खुद भी फर्दर अलग फॉर्म्स में डिवाइडेड है। हर्बीवोर सुना होगा आपने, वो जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स पर सर्वाइव करें। कार्निवोर्स जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश ग्रीन प्लांट्स पर सर्वाइव करने वाले, काओ, गोट एटसेट्रा। कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश पर सर्वाइव करें, काओ, टाइगर एटसेट्रा। ओमनीवोर्स वो जो फ्लैश एज वेल एज ग्रीन प्लांट्स को इनटेक करके अपना सर्वाइवल करें, उन्हें ओमनीवोर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एंड द लास्ट स्केवेंजर्स। स्केवेंजर्स फिर से डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करने वाले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है। डेड एंड डिकेइंग ये माइक्रोस्कोपिक नहीं होंगे, जैसे कि ईगल, वल्चर, ये क्या हमारे सोसाइटी को क्लीन करने में हेल्प करते हैं बाय ईटिंग द डेड एंड डिकेइंग मैटर। सो इन्हें कैरी ऑन फीडर यानी कि स्केवेंजर भी कहते हैं।
So these are the forms of heterotrophic nutrition. So by now we are done for today. And now let's meet in the next lecture. Till then, take care.